नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कॉलेज थामड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र किचड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे मैथ्स, जनरल मैथ्स, और जनरल मैथ्स में अपना टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था अनुपात समानुपात, और कुछ क्वेश्चन अपन ने अनुपात समानुपात के कर लिए है, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। तो आज नए टाइप के क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जहाँ तक अपन ने पहले सवाल किए थे उससे आगे आज शुरू करते हैं। देखो, सवाल आज है सिक्कों से रिलेटेड। सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार अनुपात समानुपात से पूछा गया है, तो आज अपन केवल सिक्कों से रिलेटेड ही सवाल करेंगे। यानी थैले में सिक्के मिलेंगे, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे या 10 पैसे, या 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के नोट मिल जाए, तो उनके बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज केवल इसी को एकदम सरल तरीके से हल करेंगे। देखो, यहाँ दिया हुआ है सवाल आपके पास, एक थैले में 1 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे तथा 10 पैसे, 1 रुपये, 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2:3:5 है। ये देखो, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ध्यान रखना। यदि थैले में कुल धन 170 यदि थैले में कुल सिक्के 170 है, यहाँ पे भी सिक्कों की संख्या ही दी हुई है, थैले में कुल सिक्के जो है वो कितना है, 170 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? तो ये तो एकदम सिंपल सवाल हो गया, जैसे अपन ने बेसिक में पढ़ा था वैसे ही है। देखो करना कैसे है, आप लिखोगे यहाँ 1 रुपये, 50 पैसे तथा 10 पैसे के जो सिक्कों का संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात है भाई, ये ध्यान रखना, संख्या का अनुपात है 2:3:5, ठीक है। अब इसने कहा कि इसमें कुल सिक्के कितने हैं, 170 है, कुल सिक्के भी कितने हैं, 170, तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है और सिक्के भी 170 है। तो यहाँ पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के लिए 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 3 है, और ऊपर अनुपातों का योग कितना है, तो 2, नीचे लिखना है भाग में 2, 3, 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, इंटू टोटल सिक्के कितने दिए हुए हैं अपने को, 170 दिए हुए हैं, तो 170 से गुणा कर देंगे भाई, जिसके सिक्कों की संख्या पूछे उसका अनुपात ऊपर लिखते हैं, नीचे अनुपातों का योग और इंटू टोटल राशि, तो टोटल अपने पास कितने हैं, 170 सिक्के हैं, तो 10 का भाग इसमें दिया तो 17 बार कट गया, तो जाएगा 17 51 सिक्के, 17 51 सिक्के हो जाएंगे भाई, ठीक है। इधर लिख देता हूँ नीचे, यहाँ 51 सिक्के प्राप्त हो जाएंगे अपने पास, इसके 50 पैसे के, 10 पैसे वाले पूछते तो 5/10 इंटू 170 करते तो 17, तो 17 5 85 हो जाता, तो 85 सिक्के हो जाते आपके 10 पैसे वाले। इसके पूछता 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 1 रुपये के सिक्के 2/10 इंटू 170 करते तो 2 × 17 कर देते, तो 17 × 34 सिक्के हो जाते। इस प्रकार आपको यहाँ सिक्कों की संख्या देख, संख्या का अनुपात देकर सिक्कों की संख्या ही दे दे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा जो बेसिक में अपन पढ़ रहे थे वैसे ही है, ठीक है। सीधा अनुपातों का योग कीजिए, जिसकी जिसका अनुपात जिसकी पूछ रहा है राशि संख्या जिसकी पूछ रहा है उसका अनुपात ऊपर लिखिए और इंटू कीजिए टोटल जितने भी सिक्के है। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला है एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 है, 3:4:5 है सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ठीक है। संख्या नाम नहीं लिया गया है, सिक्कों का अनुपात मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है।
फिर कहा थैले में कुल धन कितना है, 125 रुपए है, कुल धन 125 रुपए है भाई। कुल धन का मतलब उसमें रुपए कितने हैं टोटल, उन सिक्कों को मिलाकर रुपए 125 बन रहे हैं। तो आपको पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ऐसे पूछा। तो भाई यहाँ देखो सिक्कों का डायरेक्ट सिक्कों की संख्या दे देता तो वही जो अपने पिछले सवाल में किया ऐसे कर देते, लेकिन यहाँ धन दिया हुआ है। तो करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में लिखिए 1 रुपए, फिर लिख लिया अपन ने 50 पैसे, फिर लिख लिया 25 पैसे। अब देखो यहाँ आपको जो दिया गया है अनुपात, वो सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 रुपए का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 3। फिर 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, सिक्कों की संख्या का अनुपात 4 है। फिर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 5 है, तो अनुपात में लिख दिया 3:4:5। ठीक है, अब देखो यहाँ क्योंकि धन दिया हुआ है, टोटल क्या है 125 रुपये धन है, मूल्य है। ठीक है, तो इन जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है इसको मूल्य के अनुपात में चेंज करना है, मूल्य के अनुपात में चेंज करना है। तो मूल्य के अनुपात में चेंज करने के लिए कैसे बोलेंगे भाई, बहुत सिंपल है, कोई किसी का भाग देने की जरूरत नहीं, किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं। आप तो सीधा ऐसे याद रखो, मान लो आपके पास आपके जेब में 3 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, आपकी जेब में 3 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो आपकी जेब में कुल धन कितना है, तो कुल धन होगा आपके पास 3 रुपए ही, क्योंकि 1-1 रुपए का एक सिक्का है, 1-1 रुपए का है ना एक सिक्का, और कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के, तो टोटल धन आपके पास हो जाएगा जेब में 3 रुपए। ठीक है, अब देखो इसको भी ऐसे ही बोलेंगे, आपके पास 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे भाई। 50-50 पैसे के यानी 8×8 आपके पास 4 है, तो कितने रुपए बनेंगे आपके पास, 2 बनेंगे, तो रुपए हो जाएंगे आपके पास 2। अब देखो 25-25 पैसे के यानी 54×54 आपके पास 5 है, 54×54 5 है। अब 25-25 पैसे वाले सिक्कों को मिला दें तो 1 रुपया कब बनता है, तो 4 सिक्कों को जब मिलाएंगे तो 1 रुपया बनता है, तो 1 रुपया तो बन गया 4 सिक्कों का, और फिर 1 सिक्का बच गया, तो अपने ऐसे लिखेंगे 1.25 रुपए अपने पास हो जाएंगे यदि 5 सिक्के हैं 25-25 पैसे वाले। तो कोई भाग भूक देने की जरूरत नहीं, सीधा आप ऐसे बोल के लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ इसने कहा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए 25 पैसे वाले जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो लिखना है ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ चेंज है, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 5 और बटा अनुपातों का योग इनका लिखना है भाई, अनुपातों का योग जो लिखना है वो इनका लिखना है। ठीक है, 3, 2 और 1.25, ये सीधा करने के लिए, तो 3, 2, 5 हो गया, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इनटू टोटल धन, टोटल धन कितना है 125 है, तो लिख दिया 125। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो लगेंगे भाई, 2 जीरो, 25 के पहाड़े से कट जाएगा 5 बार, और 25 के पहाड़े से कट जाएगा 25 बार, 5 के पहाड़े से कट जाएगा आपका ये, सॉरी ऐसे काट लो, ये 5 था आपके, 25 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 25×50 यानी 20 बार, 20×5 करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 100 आ जाएंगे। देखो मैंने ऊपर जो अनुपात यहाँ लिखा था एक बार वापिस बता देता हूं, देखो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जिसका जिसकी संख्या या जिसकी राशि निकालनी है उसका अनुपात ऊपर लिखते हैं, तो 1.25 लिखना चाहिए था, लेकिन सीधा करने के लिए, क्योंकि वो धन आएगा आपके पास, मूल्य आएगा, अगर मैं 1.25 ऊपर लिखूंगा और नीचे इन अनुपातों का योग लिखूंगा तो फिर मूल्य आएगा, यानी 25 पैसे से मिलकर कितने रुपए बने वो आएगा, फिर उसको वापिस सिक्कों में बदलना पड़ेगा, तो वो नहीं करने के लिए सीधा करना है, यहाँ संख्या का अनुपात लिखना है, जिस सिक्कों की संख्या पूछे उसका अनुपात, संख्या का अनुपात, यहाँ देखो संख्या का अनुपात 25 पैसे वाले पूछ रहा है, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 5 है, और बटा अनुपातों के योग में धन वाला अनुपात लिखना है, अनुपातों
अनुपातों के योग में धन वाले अनुपात का योग लिखना है। तो 3, 2, 5, 5 और 1, 6, 6.25 हो जाएगा। और इनटू करेंगे टोटल धन कितना है, 125 है, 125 किया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 00 लग गया। 25 के पाड़े से कटेगा भाई 25 बार, और 25 के पाड़े से कटेगा 5 बार, और 25 के पाड़े से ये कट जाएगा आपके 20 बार। 20 × 5 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 100। 100 सिक्के, 100 सिक्के किनके हैं भाई, 25 पैसे वाले हैं। 100 सिक्के किनके हैं, 25 पैसे वाले हैं। ऐसे ही आप 50 पैसे वाले निकाल सकते हो, 50 पैसे वाले निकाल सकते हो, ऐसे ही 1 रुपए वाले निकाल सकते हो। देखो मैं 50 पैसे वाले निकाल के बताता हूँ, इधर 50 पैसे की बात कर रहा हूँ और इनके सिक्कों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ से इसका अनुपात लेंगे 4, 4 बटा अनुपातों इनका योग, मूल्य वालों का अनुपातों का योग 600, 6.25, फिर इंटू टोटल धन कितना हो जाएगा, 125 पॉइंट हटेगा तो यहाँ 400 बनेगा, ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, पॉइंट हटता है तो 2 अंकों के बाद है। अब देखो यहाँ 25 के पाड़े से कट जाएगा 5 बार, और 25 के पाड़े से ये कट जाएगा आपके 25 बार। 25 का भाग आप या 5 का दे लो इसमें 5 बार, और 5 का इसमें दिया तो कितनी बार जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी 80 बार, तो भाग जाएगा 80 बार, तो 80 सिक्के हो गए भाई 50 पैसे वाले। कितने सिक्के हो गए, 50 पैसे वाले 80 सिक्के हो गए। ऐसे ही आप 1 रुपए वाले याद कर सकते हो। तो यहाँ तो आपको पूछा 25 पैसे वाले ही, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ऐसे सब की आप याद कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आपको हल करना होता है, संख्या को धन में बदलना है, क्योंकि यहाँ कुल धन दिया हुआ है इसलिए। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, किसी थैले में कुल धन 152 रुपए है। पहले ही दे दिया कुल धन कितना है, 152 रुपए है। फिर कहा 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ये धन किस में है, 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिसका अनुपात 7:10:16, 7:10:16 है। जिसका, किसका, 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है ये। जब तक मूल्य नहीं बोले तब तक आपको संख्या का अनुपात ही लेना है, ठीक है। उनमें से 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं भाई अपन क्या क्या दिया हुआ। देखो 50 पैसे वाला दिया हुआ है, 50 पैसे के सिक्के हैं, फिर 25 पैसे के सिक्के हैं, फिर 10 पैसे के सिक्के हैं उस थैले में, और इनका जो अनुपात दिया गया है वो दिया है संख्या का अनुपात है, ये ध्यान रखना। संख्या का अनुपात दिया हुआ है 7:10:16। अब इसने कहा कि थैले में कुल धन कितना है, 152 है भाई, ठीक है। तो कुल धन, क्योंकि मूल्य दिया हुआ है तो इनको भी आप मूल्य में चेंज करेंगे, तो मूल्य में जब चेंज करेंगे, मूल्य लिख देता हूं मैं यहाँ, तो 50 पैसे वाले आपके पास 7 सिक्के आपकी जेब में है, 7 अनुपात है ना इसका, तो ऐसे बोलेंगे कि 50 पैसे वाले 7 सिक्के आपकी जेब में है, तो आपके पास कितने रुपए है, तो आपके पास रुपए हो जाएंगे 3.5, ठीक है। 3.5 रुपए होंगे, 8 अठनी 8 अठनी से बढ़ के 7 अठनी आपके पास, तो हो जाएगी 3.5 रुपए। अब देखो 25 पैसे वाले आपके पास 10 सिक्के हैं, 25 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो 54 54 के 10 सिक्के हैं, तो टोटल रुपए आपके पास कितने बढ़ेंगे, तो 8 के तो बढ़ जाएंगे 2 रुपए, और फिर 2 सिक्के बच गए तो उनका 50 पैसा बनेगा, तो 2.50 लिख देंगे भाई, 2.50 लिख दिया। अब देखो यहाँ आपके पास दिया गया है कि 16 सिक्के है आपके पास, 10 10 पैसे के सिक्के हैं। 16 सिक्के किनके हैं, 10 10 पैसे के हैं, तो 10 पैसे वाले सिक्के कितने हो कि 1 रुपया बन जाए, तो 10 सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा, 100 पैसे होते हैं टोटल 1 रुपये में, तो 1 रुपया तो बन गया 10 सिक्कों से, और फिर 6 सिक्के बच गए तो 60 पैसे बने उनसे, तो 60 पैसे लिख दिया। अब इनको आप जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 5 × 1 = 6, 6 × 1 = 7 बन जाएगा, 7.60 हो जाएगा भाई। तो टोटल धन हो रहा है 7.60, यहाँ से अनुपातों का योग हो रहा है ना, अनुपातों का योग हो रहा है, मूल्यों के अनुपातों का योग हो रहा है 7.60।
साठ। अब आपको पूछा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या देखो यहाँ 16 दी हुई है अनुपात में, तो 16 लिखेंगे, ऊपर 16 लिख दिया और इंटू किया, टोटल धन कितना है, टोटल धन है 152 रुपये। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे भाई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 76 दूनी 152 होता है, ठीक है, और 16 दुआ 32, 2 से गुणा करेंगे इसको तो 320 आपका उत्तर आ जाएगा, ये रहा 320। इस प्रकार सीधा करना है, बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हो, ध्यान मूल्य का और संख्या का रखना है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपका ये रहा, एक थैले में 50 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात, तो सिक्कों का अनुपात है मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात ही, ठीक है, 50 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात 8, 9 और 10 है। यदि थैले में कुल धन 204 रुपये है, थैले में कुल धन कितना है, 204 रुपये है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो भाई लिखते हैं यहाँ 50 पैसे, फिर है 10 पैसे, फिर है आपके पास 5 पैसे, संख्या का जो अनुपात है वो दिया हुआ है आपको यहाँ 8:9:10। अब इसको किस में बदलेंगे, अपन मूल्य के अनुपात में बदलेंगे, तो मूल्यों के अनुपात में बदलने के लिए आपके पास 50-50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो रुपए कितने हैं आपके पास, कितने हो जाएंगे, आधे, क्योंकि 2 सिक्के बनेंगे 1 रुपए के, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, रुपए 4। फिर इसने कहा 10-10 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो 1 रुपया बनेगा क्या, 1 रुपया 10 पैसे 10 सिक्कों से बनता है, तो यहाँ तो 0.90 रुपये ही बनेंगे, 0.90 रुपये ही बनेंगे। अब आपके पास 5 पैसे के 10 सिक्के हैं, 5 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो भाई कितने रुपए बनेंगे, तो 8 नहीं बनेगी यानी 50 पैसे बनेंगे, तो 50 पैसे हो गए, आधा रुपया बन गया ना, 1/2, तो 50 पैसे बनेंगे। अब देखो यहाँ पूछा आपको कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करने के लिए पहली संख्या वाला अनुपात ऊपर लेंगे, 2 अनुपातों का योग, तो 4 और 0.90 और 0.50 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.40 हो जाएगा, तो 1.40 और 4 को जोड़ा तो 5.40 हो जाएगा, 5.40 इंटू करेंगे आपके 204 बोल रहा है, 204 बोल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा, 00 लगेगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर लगेगा 00, तो ये बन जाएगा 900, ये बन जाएगा 900, 10 से 10 काट दिया अपने, ठीक है, यहाँ कट जाएगा 9 के पाड़े से 90 कट जाएगा, 900 मैं 10 काट दिया, 9 के पाड़े से 90 कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, 9 के पाड़े से 9×6=54 होता है, 6 के पाड़े से ये कट जाएगा शायद, देखो देखे 18 में जाएगा आपके 3 बार, और फिर 24 में जाएगा 4 बार, 34×10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा, तो गलत हो रहा है भाई, देखते हैं, देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वापस देख लेते हैं एक बार, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो लिखने में भी, वापस चेक कर लेते हैं एक बार। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है 8, तो रुपए बनेंगे भाई 4, फिर 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है आपके पास 9, तो रुपए बनेंगे 0.9, ठीक है, 0.9 या 0.90। 5 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है वो है आपके पास 10, 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 10 है, तो कितने पैसे बन जाएंगे भाई, 50 पैसे बन जाएंगे, तो 0.50 पैसे हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 रुपए 90 पैसे और 50 पैसे हो गया, 4 रुपए 90 पैसे और 50 पैसे हो गया। अब क्योंकि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 9 है, बटा में अनुपातों का योग 4
0.90 और 0.50 को जब जोड़ेंगे तो 1.40 आएगा। 1.40 और 4 को जोड़ दिया, 1.40 और 4 को जोड़ा तो हो जाएगा आपका 5.40 और इनटू करेंगे 204। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर दो जीरो लगेंगी क्योंकि दो अंकों बाद पॉइंट है, एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया। नौ के पाड़े से ये कट जाएगा 10 बार, नौ के पाड़े से ये कट जाएगा आपके 6 बार, 9 छंग 54। अब देखो 6 के पाड़े से ये कट जाएगा आपके 6 3 18, फिर आपके बचेगा 2, उधर से 4 उतारा 24, 6 चौक 24। तो 10 पैसे वाले जो सिक्के होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई, 10 पैसे वाले सिक्के हो जाएंगे आपके यहाँ 340 ही होंगे, राइट है। तो ये ऑप्शन आपके गलत है, तो यहाँ कहीं आप 340 कर सकते हो, यहाँ लिख लेते हैं अपन, गलती से गलत लिखा हुआ है, गलत लिख लिया है, 340 कर लिया। इसी में अगर मैं यहाँ कहूँ कि भाई आप 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताने के लिए देखो कैसे करना पड़ेगा, ये हटा देता हूँ। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अगर पूछी जाए तो कैसे करना पड़ेगा, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या देखो, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का सॉरी हाँ सही है, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या तो अपन ने निकाली है 340। 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी जाए तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ऊपर 10 बटा अनुपातों का योग कितना हो रहा था अपने, ये हो जाएगा 5.40 हो जाएगा, और इनटू करेंगे आपके कितना टोटल धन कितना है 204 है, तो 204 किया भाई, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 00 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये कट जाएगा आपके 6 के पाड़े से, 6 के पाड़े से कट गया, पॉइंट हटाया था अपने, 6 के पाड़े से कट गया कितनी बार, 9 बार, और 6 के पाड़े से कट गया ये आपके 34 बार, तो पॉइंट में उत्तर आएगा, तो इसको छोड़ दो आप, आपको केवल जो पूछा है उसी का जवाब देना है, ठीक है। तो अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपका ये रहा 56 नंबर सवाल। देखिए एक थैले में 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपये, 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, तो वही सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 720 है, कुल सिक्कों की संख्या क्या है 720, तो बताओ 50 पैसे का धन कितना है, 50 पैसे से मिलकर बना हुआ धन कितना है। तो अब की बार धन पूछा आपको, यहाँ सिक्कों की संख्या दी, तो देखो कैसा करना पड़ेगा, आपको दिया 1 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, यानी संख्या का अनुपात ही है, सिक्कों का अनुपात संख्या का अनुपात होता है, 2:3:4 क्या है 4 है, तो यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या आपको दी हुई है, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है 720 है, तो इसको मूल्य में बदलने की जरूरत नहीं है भाई, सीधा पहले आप जिसका धन पूछा है उसकी संख्या ज्ञात कर लो। यहाँ 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनका धन पूछा है कि कितना होगा, तो 50 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है 3 बटा अनुपातों का योग हो जाएगा 5 और 4 9, और इनटू करेंगे 720, तो पहले संख्या निकाल लेंगे इसकी, तो ये 80 बार कटेगा, 8 3 24, 240 सिक्के बनेंगे इनके, इसके कितने सिक्के बनेंगे, ये 240 सिक्के बनेंगे किन से मिलकर, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपके पास बन गई कितनी 240। अब आपको कहा कि 50 पैसे से मिलकर कितना धन है, 50 पैसे से मिलकर कितना धन बना हुआ है, तो 50 पैसे के आपके पास 240 सिक्के हैं, तो भाई आपके पास जेब में रुपए कितने होंगे, आपकी जेब में मान लो 240 सिक्के हैं, वो 50 पैसे के हैं, तो रुपए कितने होंगे, तो रुपए आधे हो जाएंगे, क्योंकि 50 पैसे से मिलकर बना धन हो जाएगा आपका
240 बटा दो, क्योंकि दो सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो रुपए बनाने के लिए 2 का भाग दे दिया, दो दो सिक्कों से मिलकर बनता है इसलिए 2 का भाग दिया, तो कितने रुपए बन जाएंगे भाई, 120 रुपए आपके बन जाएंगे। तो ये रहा 120 रुपए, ठीक है। इस प्रकार आपको हल करना है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात, देखो यहां दिया हुआ है मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात 3, 4 और 5 है। यदि थैले में 620 सिक्के हैं, अब वहां मूल्यों का अनुपात देकर रुपए नहीं दिए, अगर रुपए देता तो सीधे कर देते, लेकिन यहाँ तो क्या दिया है, सिक्के दिए हुए हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई क्या करना पड़ेगा, तो पहले अपन लिखते हैं 1 रुपए 50 पैसे, फिर 25 पैसे के सिक्कों का मूल्यों का अनुपात है भाई, तो लिख लेते हैं यहाँ मूल्य, मूल्यों का अनुपात है 3:4:5 है। अब इसने कहा यदि थैले में कुल धन 620, कुल धन नहीं है, कुल सिक्के कितने हैं, 620 सिक्के हैं, तो भाई संख्या दी हुई है तो इसको वापिस संख्या में बदलना पड़ेगा। जब देखो आपको संख्या देकर धन दे रहा था तो अपन उसको मूल्य में बदल रहे थे, यहां मूल्य देकर संख्या दे रहा है तो आप इसको संख्या में बदलोगे, तो संख्या में बदलेंगे तो अपन देखो ऐसे बदलेंगे, आपके पास 3 रुपए है और वो 1-1 रुपए के सिक्के में है, तो कितने सिक्के होंगे आपके पास, 3 ही सिक्के होंगे भाई। फिर आपके पास 4 रुपए है और वो 50-50 वाले सिक्कों से मिलकर बना हुआ है, 50-50 वाले सिक्कों से मिलकर बना हुआ है, तो आपके पास रुपए कितने, सॉरी सिक्के कितने होंगे, तो क्योंकि प्रत्येक रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 50 पैसे वाले 2 होते हैं, तो 4 रुपए में कितने हो जाएंगे, 4 × 8, आपके पास 25-25 पैसे वाले सिक्कों से मिलकर बना हुआ धन है 5 रुपए, तो आपके पास सिक्के कितने होंगे, सिक्कों की संख्या कितनी होगी 25 पैसे वाले, तो देखो क्योंकि प्रत्येक रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25-25 पैसे वाले, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे, 520 सिक्के हो जाएंगे। अब देखो ये संख्या का अनुपात है और यहां आपको सिक्कों की संख्या दी हुई है 620, तो आप 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 8 है, बटा में अनुपातों का योग, तो 8 और 20 हो गया 28, 28 और 3 हो गया 31, 31 बटा में करेंगे इंटू करेंगे 620, टोटल सिक्के कितने, 620 है, 31 का भाग 62 में 2 बार जाता है तो 20 बार जाएगा यहाँ 620 में, फिर 8 × 20 करेंगे तो आ जाएगा 160 सिक्के, 160 सिक्के आ जाएगा भाई। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 160 है। इस प्रकार आपको हल करना होता है। यहां देखना दिया हुआ क्या है, धन दिया हुआ है तो सिक्कों की संख्या के अनुपात को मूल्य में बदलना है, अगर मान लो मूल्य का अनुपात देकर यहाँ सिक्के दिए हुए हैं तो फिर आपको मूल्यों के अनुपात को संख्या में बदलना है, बस इतना ही करना है, वेरी सिंपल है। और इसको भी कोई भाग भूक दे के नहीं बदलना है, ऐसे बोलना है भाई मेरे पास इतने सिक्के हैं तो 50-50 पैसे वाले हैं तो धन कितना होगा, तो इससे आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, एक थैले में कुल 640 रुपए हैं, यहाँ धन ही है, एक थैले में कुल 640 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात, नोटों की संख्या दी हुई है भाई, 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए नोट होता है ना, उन नोटों की संख्या का अनुपात है 6:3:2, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या याद करो, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ 1 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर आ जाएगा आपका 5 रुपए, इनकी नोटों की संख्या का जो अनुपात है, यानी संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, संख्या का अनुपात है 6:3:2, और यहां दिया हुआ है कुल धन, कुल धन दिया हुआ हो तो अपन किस में बदलते हैं, मूल्य में बदलते हैं भाई, मूल्य में बदलेंगे तो देखो ऐसे बोलेंगे, आपके पास 1 रुपए के 6 नोट है, 1-1 रुपए के 6 नोट है, तो रुपए भी कितने होंगे, 6 ही रुपए होंगे। आपके पास 2-2 रुपए के 3 नोट है, 2-2 रुपए के कितने नोट है, 3 नोट है, तो आपके पास रुपए कितने हुए, तो 2 × 3,
ठीक है, प्रत्येक में 2 रुपए होंगे तीन नोटों में, तो 2 × 3 करेंगे तो 6 रुपए हो जाएंगे इसमें भी। और देखो 5-5 रुपए के 2 नोट है आपके पास, तो रुपए कितने हुए आपकी जेब में, 10 रुपए हुए। तो 6, 6 और 10 अनुपात आ गया। अब इसने कहा 5 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात बताओ, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए ऊपर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और बट्टा में अनुपातों का योग लिखेंगे, 6, 6, 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा आपका। तो 22 लिख दिया भाई, और इनटू कुल राशि, कुल राशि कितनी है, 640 है। ठीक है, कुल राशि कितनी है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, देखो यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ 640 नहीं है भाई, गलती से लिख दिया ये क्वेश्चन लिखते टाइम, यहाँ 440 है, यहाँ कितना है, 440 है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 640 से कैलकुलेशन होगी नहीं, और ये नोट पूरे पूरे नहीं बनते हैं, नोट पूरे पूरे ही बनने चाहिए तभी क्वेश्चन संभव है, नहीं तो नोट ऐसे थोड़ी होता है कि भाई 5 के 2 नोट तो पूरे हुए और 5 के फिर 1 नोट आधा हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखते वक्त, 440 रुपये है। तो यहाँ अपन ने क्या किया, संख्या लिखी 2, संख्या लिखी 2, 5 रुपये के पूछ रहा है, 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात है 2, और अनुपातों का योग हो गया आपके 6, 6, 12 और 10, 22, और टोटल लिखेंगे यहाँ से थैले में कुल आपका 440 रुपये है। तो 440 लिखेंगे गुणा में, तो 22 से कटेगा ये 20 बार, 20 × 2 करेंगे तो आपके आ जाएगा 40। तो 5 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है, नोट है भाई 40, तो आपका उत्तर हो जाएगा 40। इस प्रकार अपने को सिक्कों से रिलेटेड या नोटों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, और इस तरह से आसानी से अपन हल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।